सत श्री अकाल दोस्तों, कुलवंत सिंह बिरक दियां संसार प्रसिद्ध कहानियां विचों कहानी रस भरिया पेश है। मैनू अपना वकीली का काम उंज तां पसंद है, पर इस विच एक बड़ा वड्डा घाटा है। किधरे जाण आउण लई वेल नहीं मिलदी। हर मैजिस्ट्रेट आप तां छुट्टी जा सकदा है ते सैशन जज भी, पर वकील नूं तां ही छुट्टी हो सकती है जे सारे दे सारे मैजिस्ट्रेट अते सैशन जज छुट्टी चले जान। दीवानी अदालतां तां साल विच एक महीने की छुट्टी कर लैंदियां ने, पर फौजदारी अदालतां तां कदी बंद नहीं हुंदियां, हो भी नहीं सकदियां, क्योंकि जुर्म करन लई कोई तिथ वार नहीं वेखदा। उधाले, कतल, डाके, लड़ाइयां दिन रात हुंदियां ने। ऐतवार वाले दिन भी एक मैजिस्ट्रेट ड्यूटी उत्ते हुंदा है, क्योंकि कानून अनुसार पुलिस नूं हर फड़े बंदे नूं 24 घंटियां दे अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट पेश करना हुंदा है। उस दिन भी किसे वकील दी लोड़ पै सकदी है। साडे लई छुट्टियां बहुत घट ने। जे किसे दिन किसे भी मुकदमे दी तरीक ना होवे तां भी कचहरियां दे नेड़े तेड़े ही रहना पैंदा है। की पता किसे नवें मुकदमे वाले नूं तुहाडी लोड़ पै जाए। उंज रोज मेरे चार चार पांच मुकदमे लगे होंदे हन ते विचों दिन कढ़ने बहुत औखे होंदे ने। जे एक बार पिंडां विच इह गल फिर जाए कि फलाना वकील बाहर गया होया है, तां फिर मुड़ आउण पिछों भी इह गल पक्की रहिंदी है। इस तरह कम दा बड़ा नुकसान हुंदा है। पिछली वार जदों गर्मियां आईयां तां मैं सोचिया कि मैं तां इत्थे बद्धा होया हाँ, पर मेरी बॉटी नूं तां कोई वन नहीं। उह तां बच्चे नूं नाल लै के किसी पहाड़ उत्ते जा सकदी है। जदों इह गल मैं अपनी बॉटी नाल कीती तां उस कहा, मैं केवल डलहौजी पहाड़ नूं चंगी तरह जाणदी हाँ, पेक्यां तों मैं उत्थे जांदी रही हाँ। उत्थे मैं इकल्ली बच्चे नूं लै के रह सकदी हाँ, गया होया तां होर कई जाणू टब्बर मिल जांदे ने। मैं कहा, चंगा, डलहौजी जाना ही ठीक है। डलहौजी अपड़ के मेरी वहुटी ने सुख सांद की चिट्ठी लिखी। उस लिखिया कि उसने एक कोठी का अद्धा हिस्सा किराए उत्ते लै लिया है, बाकी अद्धे हिस्से विच एक डॉक्टर जोड़ा है, वह भी सैर लई आए हुए ने। थां बहुत वधिया अते मौसम बहुत चंगा चंगा, बच्चा खुश है, खुलियां सड़कां उत्ते खूब दौड़दा है, हर शह नूं बड़े ध्यान नाल वेखदा है। उस ए भी लिखिया कि घट्टो घट हफ्ते लई मैं जरूर उत्थे आवां। इस मौसम विच पहाड़ उत्ते एक हफ्ते दे जीवन विच आम जीवन दे एक साल जिन्ना स्वाद है। उस लिखिया, मैं भी कल तों हुसड़िया होया सां, कुछ दिनां पिछों जाण दी सलाह बना लई। मैजिस्ट्रेटां नूं आख वेख के कुछ दिन तरीकां तों सखणे रखवा लए अते मैं डलहौजी जा वड़िया। डलहौजी अपड़ के वेख्या जिथे मैं पहला कदी बाहर गया, मैं अगे लगदा सां तां मेरी बहुटी पिछे इत्थे अगे अगे सी ते मैं पिछे पिछे। उह पहलां इत्थे रहिंदी सी, उसनूं सारियां थावां रस्तियां दुकानां दा पता सी। मैं नवां सां, जिथे मैं एवें मूंह ध्यान नाल लंघ रहा हुंदा उत्थे उह खलो जांदी अते हथ नाल सैंत करके आखदी, उधर वेखो। मैं वेखदा कोई खूबसूरत नदी घाटी विच लेटी हुंदी अपने जोर दे दिनां विच दुआले दी धरती उत्ते बनाए सुंदर चित्र नूं फवा रहे हुंदे, बड़ा स्वाद आउंदा। किसे होर थां उह फिर मैनूं अजका लैंदी, दूर किसे पहाड़ दी टीसी उत्ते पई बर्फ लिशकदी हुंदी। हुण मैनूं उसनूं पुछ पुछ के टुरन दा स्वाद पै गया सी। पंजां छेयां दिनां पिछों मैं कहा, नेड़े तेड़े दियां तां सब थावां वेख लईयां ने, हुण कोई नवीं थां दस। उस आख्या, इत्थों 8-10 मील उत्ते इक बड़ी वधिया थां ऐ खिजार, दूर होण करके उसे दिन मुड़ के नहीं आया जांदा, रात उत्थे ही रहना पैंदा ऐ, चढ़ाई उतराई होण करके बंदा थक भी जांदा ऐ। उंज सारा रस्ता संघने हरे जंगलां विचों दी लंघदा ऐ ते बड़ा ई सोहना है। खिजार एक बहुत चौड़ा मैदान है, एडा वड्डा कि उड्डा मैदान इन्हां पहाड़ां विच बहुत घट ही किधरे होवेगा। विचकार एक छोटी जिही झील है,
झील दे विच इक बरेती है जिस उत्ते उच्चा उच्चा हाथी घा खलोता होया है। ए बरेती सारी दी सारी अपने आप पानी विच पौंदी रहिंदी है, राती एक थां हुंदी है सवेरे दूजी थां। बड़ी आश्चर्य थां है खिजार, ए सुन के मैं जान दी सलाह बना ली, पर कोई साथ भी तां चाहिंदा सी ना। मेरी बहुटी ने कहा, मैं तां जे कुछ दिन ही होए ने वेख के आई हां, बच्चे नूं नाल लै जाओ। राह विच कई थाई रस भरियां याद करके बच्चा झट तैयार हो गया। अगले दिन सवेरे असी प्यो पुत तुर पए। कुछ दूर जाके एक नदी आई, रस्ता उत्तों लंघाण लई पुल बनिया होया सी। पुल दे नाल एक गुठे सुकियां लकड़ां दा ढेर लगा होया सी, एक होर ढेर कोलियां दियां बोरियां दा सी। नेड़े किधरे कोले बनाण दा बंदोबस्त होवेगा। थां पछाण के बच्चे ने कहा, इत्थे उत्ते बड़ियां रस भरियां ने, असीं रस्ता छड के पहाड़ी उत्ते चढ़ गए, उत्थे जिवें किसे इन्हां दी पैली बीजी होई सी। मैं पक्कियां लभ के उसनूं फड़ांदा गया, कुछ मैं भी खादियां, मौसम वधिया सी, इस तरह पहाड़ी दे परौणे बन के बड़ा स्वाद आया। अगां दो तीन होर थावां उत्ते भी रस भरियां आईयां, असीं खो के खादियां। जदों कुछ वाट ना आउंदियां तां बच्चा पेंडे तों अक के थकण लग जांदा, फिर उहनूं मैनूं चुकणा पैंदा। खिजार अपड़न तक मैं आप भी थक गया सां, पर थां वेख के सारा थकेवा लै गया। सामने बहुत वड्डी ते हरी चरांद सी, विच भजण नूं जी करदा सी। दुआले द्योदार दे रुख इन्ने मोटे अते उच्चे सन के ओडे रुख मैं पहला कदी नहीं वेखे सन। ओह कुछ वखरे ही होणगे, क्योंकि हर रुख दी मोटाई अते उचाई इक पत्री उत्ते लिख के जड़ी होई सी। झील विच उग्या हाथी घा दूरों दिसदा सी, परां इक मंदर सी ते दुआले कुछ बसों। एक पासे कुछ दुकाना सन, मैदाना विच रहन वालियां नूं पहाड़ां उत्ते आके जिहड़ा एक वक्खरी दुनिया दा अहसास हुंदा है, उह इत्थे आके बहुत वध गया लगदा सी। आए गए लई एक डाक बंगला सी, बाहर आराम कुर्सी डाह के एक मेम बैठी कुछ पढ़ रही सी। दिन लहण ते आया होया सी, इसलिए मैं पहला रात दा फिक्र करना सी। डाक बंगले विच होर भी थां होवेगी, इह सोच के असी दोवें उधर नूं गए। नेड़े आके मैं वेख्या, मेम असलों कुड़ी ही सी, बहुत वधिया। मैं ध्यान लांबे करके पासों दी लंघ गया, थां मिलण तों बिना उस नाल वाकफियत नाल सहल सी ते ना ही लाभदायक। डाक बंगले विच कमरा लभण आए दी पद्धर कुछ होर ही हुंदी है, अते विच रह रहे साथी दी कुछ होर। पिछों दी हो के मैं चौकीदार दा पता कीता, बच्चा मेरी उंगल नाल नाल सी, कुड़ी नाल सांझ बनाण विच एक बड़ा काम आवेगा। मैं सोच रहा सी जे उसनूं मेरे नाल गल करन विच संग होई तां इस नाल नहीं होणी। पता लगा कि बंगले विच दो सैट सन, एक खाली सी। चौकीदार ने रजिस्टर लियांदा, मैं अपना नाम पता लिख दिता। दूसरे सैट में कौन है, नयन जान बन के पुछया। एक मेम साहिब है। सिर्फ मेम साहिब? हाँ साहिब, अकेली ही है, खाना तो मिल जाएगा ना इधर, मैं गल परता के पुछया। हाँ साहिब, क्या लेंगे आप डिनर में? मछली और मुर्गा। मेरे ध्यान विच ही सी, हाँ हो जाएगा, हमारे पास बिस्तर भी नहीं है, वो भी हो जाएगा। फिर मैनू एक गल याद आई, अंग्रेजी शराब दी कोई दुकान है यहाँ? हाँ साहिब, उन दुकानों में है, चौकीदार ने हाथ करके दस्या। मैं बच्चे नूं नाल लै गया, विस्की दा एक अधिया मैं जेब विच पा लिया, दो बीयरां दियां बोतलां मैं आप दोहां हत्थां विच फड़ लईयां। इन्ना कुछ नहीं मुक्कण लगा, भावें सारी रात पींदी रहीए। मैं सोचिया झील दे कंडे उत्ते आ के असां बोतलां रख दित्तियां अते मैं आप घा उत्ते लेट गया। बोतलां मिल जाण उत्ते मैं बड़ा खुश सां, चीज हथ विच होण दी कोई रीस नहीं।
जे किधरे ओ दुकान बंद हुंदी तां मेरी तैयारी अधूरी रह जानी सी। मैं ओह जिहे मौके संभालने जाणदा हां। अपने बरांडे दे बाहर बैठी मेम अजे भी पढ़दी दिस रही सी। बच्चा उठ के फिरन लगा। उस किसे दियोदार उत्तों डिग्गा वड्डा सारा ब्रूंबल लब गया। पहला उस नू हाथां विच्चों उछालदा रहा, फिर हेठां रख के उस नू ठोडे मार मार के खेडन लग पिया। सूरज अजे भी डुब्या नहीं सी। कुछ चिर होर इत्थे कटना चाहिंदा है। गल छेड़न लई सूरज डुब्बे दा समा ठीक रहेगा। उदों उह शायद पढ़ना छड के किसे होर जेमे दी भाल विच होवे। उंज तां रब जाणे पासा किधर नूं पैणा है, पर जे गल टुर पई तां बड़ा मजा आवेगा। किन्नियां गल्लां होणगियां, किन्नियां सांझां बणगियां। बच्चा घूक सुत्ता होवेगा, मेरी उस नाल गल टुर पैणी औखी नहीं। मैं जाणदा हां कि मेरा मन पछमी लोकां दे नाल नाल टुर सकदा है। आखर उह इह उही अंग्रेज हन जिन्हां विरुद्ध मेरे वड्डे जंग लड़े सन। मैनू ये लोग बहुते उपरे नहीं लगते। सूरज हुण डुब गया सी। असी बोतलां चुक के डाक बंगले वल टुर पए। जदों नेड़े अपड़े तां एक निक्के जिहे बाल नूं वीयर दी बोतल चुकी वेख उह मैं उस वल मुस्कराई। बच्चे दा बाप होण करके मैं भी मुस्कराया। उह होर मुस्कराई अते फिर किताब वल वेखण लग पई। असी अपने कमरे वल लंघ गए। मुढ़ बज गया सी। हनेरा पैंदा होण करके हुण उह बहुता चिर नहीं पढ़ सकेगी। कमरे विच दो बिस्तरे लगे हुए सन। एक मेज उत्ते दो गिलास रखे हुए सन। मेरे दुकान पुछण करके चौकीदार समझ गया होवेगा, पर दूजा गिलास किस लई सी? चौकीदार बड़ा स्याणा जापदा सी। सानू अंदर वड़दिआं वेख के उह भी अंदर आ गया। खाणा कितने बजे होगा साहिब? उस पुछिआ। एक घंटे तक बताएंगे, मैं कहा। अजे मैं की दस सकदा सां, की पता किधर दा मुहाड़ बने। अगर देर हो तो बच्चा का दूध लाकर पिला दूं, इसने सोना होगा, बिल्कुल भूखा ना सो जाए। चौकीदार ने पूछा। नहीं, अभी नहीं सोएगा, ये खाना खाकर सोएगा। मैं कड़ी कुछ चौकीदार दी गड़बड़ तो बचना चाहुंदा सा। नहीं साहिब, बहुत जल्दी सो जाता है ये यहाँ, मैं जानता हूँ इसको, थक जाता है ना यहाँ आता आता, इसलिए। हाँ, मैनू समझ नहीं आ रही सी कि चौकीदार तो किवें खलासी करावां। पहले भी ये यहाँ आया था ना, इसकी माता जी ने मुझे दूध लाने को बोला, मेरे लेकर आने से पहले ही सो गया। उन्होंने बहुत कोशिश की पिलाने की, उठकर बैठ भी गया, मगर दूध नहीं पिया इसने। अच्छा, मगर आज नहीं सोएगा, ये देख लेना। मैं कमरे विच रौनक हो जाण दा ख्याल करके शरारत नाल कहा। खैर, एक बात तो है, अपने माता पिता के साथ बच्चा जल्दी सोता है। उस दिन तो ये अपने माता पिता के साथ आया था, आज आपके साथ है, इसी कमरे में ठहरे थे वो भी। आप तो खैर उन्हें जानते ही होंगे, बहुत भले लोग हैं वो। मैनू चौकीदार दी गल समझ आउंदिआं देर ना लगी। अच्छा, ले आओ दूध। मैं औखे सौखे होके मूहों कढ़िया। फिर वह मैं दोहां कमरियां दे विचकारले दरवाजे की कुंडी अपने पासों भी मार दित्ती अते नडाल होके मंजी उत्ते डिग पिया। धन्नवाद दोस्तो। चौहान इंटरटेनमेंट, तुहाडा अपना, तुहाडे लई।